देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सीमा हैदर की ही तरह जिस तरीके से ये सोनिया और सौरव का मामला सामने आया तो उसके बाद एक बार फिर से सरहद पर हलचल मचने लगी। सोनिया और सौरव की जंग अब जल्द ही कोर्ट तक जाएगी। एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सोनिया अब बांग्लादेश किसी भी हालत में लौटने के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक वो अपने पति को वापस ना लेकर जाए। क्या है ये पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। पति की तलाश में बेटों को हक दिलाने के लिए बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर आज शिवालिक होम सोसाइटी स्थित सौरभ कांत तिवारी के घर जाएंगी। सोनिया का कहना है कि यह पति के घर में बेटों को लेकर के जाना उनका कानूनी अधिकार है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उसे ये करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सोनिया के वकील रेणु सिंह का कहना है कि न्यायालय के जैसे ही कामकाज शुरू होते हैं वैसे ही सोनिया की ओर से उनके पति के खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कराया जाएगा। बता दें कि रेणु ने आगे ये भी कहा कि सोनिया ने केंद्र की अनुमति के लिए बांग्लादेशी दूतावास से मदद मांगी थी लेकिन अभी तक कोई भी केंद्र सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि आपराधिक केस दर्ज कराने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। विदेशी महिला भी आपराधिक धाराओं में केस दायर कर सकती हैं। सोनिया फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं और सोनिया की वकील रेणु सिंह उनकी मदद कर रही हैं। ये पूरा मामला क्या था ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सौरव कांत बांग्लादेश में काम करने के लिए गए थे। दूसरी कंपनी में बांग्लादेशी निवासी सोनिया अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए सौरव कांत से मिली थी। सोनिया का कहना है कि सौरव ने धर्म परिवर्तित करके साल 2021 में शादी कर ली थी और साथ ही सोनिया के बेटे का भी जन्म हुआ। 24 दिसंबर 2022 को सौरव दोबारा से भारत लौट गए। सोनिया के मुताबिक सौरव ने उनके पहले पत्नी की निधन की खबर उन्हें बताई थी। बांग्लादेश में सौरव ने 11 अप्रैल 2021 को इस्लाम धर्म कबूल किया था और उसके बाद 14 अप्रैल 2021 को निकाह कर लिया था। सोनिया कंपनी के दिए क्वार्टर में सौरव के साथ रहती थी। 20 अप्रैल को उनका बेटा हुआ। सोनिया और सौरव दोनों एक साल तक एक साथ रहे। सौरव ने इन दिनों में सोनिया के साथ 3 घरेलू सहायिकाओं को भी रखा था जब सोनिया बेटे को जन्म देने वाली थी। इसी बीच में सौरव की पहली पत्नी और बच्चे बांग्लादेश आ गए। पहली पत्नी की शिकायत पर सौरव को बांग्लादेश स्थित कंपनी से हटा दिया गया। 24 दिसंबर 2020 को सौरव भारत वापस लौट गया। सोनिया ने कहा कि वो अपना इस्लामिक धर्म कभी नहीं बदलेगी। अगर वो पहली पत्नी के साथ भी रहते हैं तो उन्हें कोई भी एतराज नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि पहली पत्नी के पास वापस लौटने के बाद ही उनके पति के विचार बदल गए थे। सोनिया और सौरव को पुलिस ने बुधवार को आमने सामने कराया। मौके पर दोनों ने दस्तावेज भी रखे। सोनिया ने कहा कि कागजात पेश करने के बाद वो सानिया ने कई दस्तावेज दिखाए और बताया कि सौरव ही उनके बच्चों के पिता हैं। दोनों को करीब 1 घंटे तक आमने सामने रखा गया। महिला अधिकारी के सामने सानिया ने कहा कि वो सिर्फ अपने पति के को वापस घर ले जाने के लिए भारत आई है। कोई उन्हें 10 करोड़ भी दे तो भी वो बिना पति के अपने घर वापस नहीं जाएंगी। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे सोनिया और सौरव के बीच में जंग हो रही है। बता दें कि हाल में ही सोनिया बांग्लादेश से भारत आई थी। भारत में भी नोएडा में वहीं जिस तरीके से सीमा हैदर ने बात कही थी कि वो सचिन के साथ आकर के रहना चाहती हैं, ठीक उसी तरीके से सोनिया ने भी दावा किया। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ सोनिया अपने पति को वापस बांग्लादेश लेकर के जाना चाहती हैं लेकिन सौरव यहाँ तैयार नहीं है। ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा अब चर्चा में आ चुकी है और इस लड़ाई को भी सीमा हैदर से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में क्या होगा इसकी कोई भी अभी जानकारी नहीं है लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अब सोनिया पर भी अपनी नज़र गड़ा करके बनी हुई है। बता दें कि सोनिया ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगा और बांग्लादेशी दूतावास से भी मदद मांगने की कोशिश की है
लेकिन कोई भी सोनिया की मदद नहीं कर रहा। ऐसे में अगला कदम क्या होगा? क्या सच में भारत में ही सोनिया रहेगी? क्या नोएडा में ही सोनिया और सीमा एक साथ अलग अलग देश की महिलाएं रहेंगी, या फिर ये जो पूरा मामला है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा? बता दें कि ना केवल सोनिया, सीमा हैदर, अंजू और हैदराबाद में भी एक ऐसा ही शख्स सामने आया था जो पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत में घुस करके 10 महीनों तक भारत में रहा और नकली दस्तावेजों के साथ हाल में ही पकड़ा गया है। ऐसे में सुरक्षा का सवाल यहाँ बार बार पैदा हो रहा है, वो भी उस वक्त पर जब G20 समिट भारत में होने जा रही है। ऐसे में सरकार को इस पर बड़ा ध्यान देना होगा, सरकार और सेना दोनों को ही काफी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। अगर आगे आने वाले वक्त में आतंकवादी इसी रूप में अगर सामने आते हैं तो यकीनन भारत के लिए ये एक बुरी खबर साबित होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।